ओला स्कूटर को पछपटु धक्का देला बोलेरो धक्का परे एक दुकान बारंडा को माड़ी जाइथिला बोलेरो सुंदरगढ़ जिला सबडेगा ठारे दुर्घटना घटी दुर्घटना रे अल्प के बर्ती जाइछंती स्कूटी चालक बोलेरो ड्राइवर को ग्रामवासी काबू करी पुलिस रे जिम्मा देछंती आहत युवक को डाक्टरखाना पठाइथिली परे पुलिस गाड़ी टी को जब्त करथिला शत्रुता को केन्द्र करी जने पड़ोसी घरे निया लगाई देथिबा अभियोग कटक जिला भद्रेश्वर थाना कुरुचंग पंचायत कचेरी पड़ार सुशांत स्वाई तीन बखरा घर सहित समस्त आसबपत्र पोड़ी पाउंस होती पुलिस मामला रुजु कर तदंत कर घर गिरीहर झगड़ा करते सब मो बो सा तार पंद्रह दिन तेज़े मत मो बो फोन कला कहला गिरीहर ता पु आसिक कौच घर निया नगद मुझे ना सी रगारगिरी कौच आए किसी करें जो निया नगला गोटाए बेलू मुझे फोन करी मत भी मो बो कला कहला पुणी कौन कहते घर बाहर आउ ना निया नगे आम बस छोट बो खाइबा दौली और देखला मो पुआ किए दौड़ी सेपटे पलैला घर निया नगे गोटे कहला मामा निया नगे मो शाशुजी जाते मंदिर में बस थे धानखड़ पशिता बाछुरी कहार बोली पचार आक्रमण भद्रक जिला भंडारी पोखरी थाना उत्तर बाड़ ग्रामर घटना ग्रामर अनुसूया जेना परिवार को आक्रमण कर अभियुक्त को थाना को आनी छाड़ी दि जाइयू ग्रामर महिला माने थाना भितर पशि प्रतिवाद कर आसामी को गिरफ दाबी उत्तेजनामूलक परिस्थित सृष्टि होता शेष थानाधिकारी हस्तक्षेप सामान्य समाधान हो थाना को आसपाई मोर बड़ भाई नरहरी जेना गोटे बाछुरी मो खड़ा को मुझे लिपिथिली फुटेदेला फुटेदेला जी मो स्त्री हूँ खाली ये कही का बाछुरी आसिक खड़ाटा को फुटेदेला सी ये कही स्त्री ता झी एम सब आसिक गाड़ी गुलज कले एम सी ता बो आसला सब आसिक मो स्त्री की नरहरी जेना सी हूँ मोर बड़ भाई जी हम आउ मो स्त्री रोच भाई देड़शूर हम से भाई बो को पिटिकी ता मुंड पूरा फटे दे से बर्तमान मेडिकल केन्दुझर जिला पटना रेंज अंतर्गत विभिन्न ग्राम से हाथी उपद्रव हाथीपल घर कांथ भांगा सहित धान चाउल खाई अभियोग भईसा कुदुरु दोल गोविंद मिश्र कदमी बाड़ी खाई बेले पुटुलिया उद्यान विभाग पाचेरी भांगा सहित शरत महंत घर कांथ भांगी हाथीपल सेपरी खसापिटा साही ग्रामर मिथुन महांत घर कांथ भांगी पंद्रह क्विंटाल धान सहित एक क्विंटाल चाउल हाथीपल नष्ट अंचलवासी क्षयति देवाक दावी कर साठी केजी ऊर्ध गंजे जबत जन गिरफ कंधमाल जिला फिरंगिया थाना अंतर्गत लेन्द्री गांव दे एक अटोर गंजे चालाण अटोरे गंजे चालाण बेले चढ़ाऊ कर मामलें संप्रक्त जनक गिरफ कर कोर्ट चालाण कर पुलिस बड़दिन में बड़ भिड़ बड़दिन जो नंदनकानन में असंभा भिड़ देखा मिली नंदनकानन रोप वे टॉय ट्रेन सफारी बस और नौका विहार मजा उठाता बेले विभिन्न रंग बेरंगर पक्षी और जीवजंतु को देख खुशी जाहिर कर बड़दिन खुशी रे जो विंटर वैकेशन आम चलता से आम आई नंदनकानन बुलाई केड़ तो आप देखि आई लव यू नंदनकानन पाखे तो फोटो उठाई बहुत भल जगह तो आम बुलूँ से खुशी पर्यटक मानी सब प्रकार व्यवस्था है किपर शांति श्रृंखल से मैंने परिक्रमा करेंगे भितर बुलवे देखिए अच्छी ख्रीस्टमास तेणु आम कालीपरिका ना भी 20,000 प्लस भिजिटर्स आज आसवे जाजपुर पहुंचले राज्य वैदेशिक व्यापार और शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह प्रथमे जाजपुर बैतरणी नदी दशवास मेध घाट में पहुंची मां सातभूणी बंग जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने गोदान करते अवसर में बैतरणी कूल में ब्राह्मण को आर्थिक राशि और शीत वस्त्र बंटा जा जाजपुर में मिल गया और माता बैतरणी का भी दर्शन भी किया और सब पुरोहित के साथ में गांव पूजा भी करा और ऐसा है मेरा मन में बहुत आशा है। मजनगर निर्वाचन मंडली ब्राह्मण पदर पंचायत दुईट सेतुर भित्तिप्रस्तर स्थापन स्थानीय विधायक विक्रम केसरी आरुख भित्तिप्रस्तर स्थापन करद्वारा स्थानीय अंचलवासी उपकृत हो प्राय 7 कोटी ऊर्ध टंका व्यय अटकल उभय सेतु निर्माण अंचल अच्छी आज गमनागम सुविधा पाए विजु सेतु योजन दुईट सेतु गोटे हूँ ना द्वितीय हूँ घाटीशुला नाल उपरे आज भित्तिप्रस्तर स्थापन होती प्राय 7 कोटी ऊर्ध टंका ए दुईटा जगह से खर्च हम तीनोटी गाँ पूरा संपूर्ण भाव गमनागम असुविधा था आज माननीय मुख्यमंत्री अनुमति क्रमे माननीय अर्थमंत्री द्वारा करकमल दुईट शख ब्रिज मानने भित्तिप्रस्तर दि जाइए
आनंदपुर उपखंड 20 नंबर जातीय राजपथ गोहिरा निकटने लुहापथर बोझी ट्रक को अटकई चोरी उद्यम बेले तीन गिरफ मामलें संप्रक्त तीन जन को गिरफ्त कर घसीपुरा पुलिस अधिक तदंत कर। भद्रक जिले में भारत विकास परिषदर एक नुआ शाखा प्रतिष्ठा करा जाइछि। उपलक्ष्य बंत छकटे एक उद्घाटन उत्सव अनुष्ठित होइछि। अतिथि भाव में भारत विकास परिषदर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन सी, पूर्वतन पुलिस अधिकारी रंग बल्लभ जेना प्रमुख जोगदे नुआ सदस्य को शपथ पाठ कराई थे। अंतर्गत ये 18वां शाखा भद्रक अनुष्ठित है, उद्घाटन करागला। भारत विकास परिषदर मुख्य लक्ष्य हूँ समाज संपन्न एवं प्रबुद्ध वर्गर व्यक्ति विशेष मान सामाजिक काम लग समाज जो निरीह निष्पेषित एवं पछुआ वर्गर व्यक्ति विशेष मान अच्छा समाज अंतिम वर्ग अंतिम धाड़ी जी ठिया से व्यक्ति समाज आम लोक निर्माण करवा। नवरंगपुर सांसद उमरकोट स्थित बासभवन बीजेडी मिश्रण पर्व अन्य दल छाड़ी शताधिक कर्मी बीजेडी में सामिल होती समस्त दल को स्वागत करते सांसद रमेश चंद्र माझी। उमरकोट ब्लॉक विशेषकर सुकिया टू आरंभ कर आम सेमला कृषि एवं आंबेडकर जो संघ थिला कर्मकर्ता माने भारतीय जनता पार्टी एवं किसी कांग्रेस कर्मकर्ता पाखापाखि 300 रु अधिक विजु जनता दल सामिल होती। मोर संगठक जो मैंने मोर समर्थक रही से मैंने समस्त आज मुझे विकास केमी मो लोकपर ताक दृष्टि रखी विधिवध भाव मुजु जनता दल रे योगदान कर। सोरडा चर्च में ख्रीष्ट धर्मावलम्बी बड़दिन पालन करते गतकाली मध्यरात्रि में केक् काटि प्रभु जीशु जन्मदिन पालन करते सका चर्च को आसी विभिन्न पूजा होम कर चर्च में प्रार्थना करते जन्मदिन को आम एक्समास पालन कर मुख्य उद्देश्य है जीशु जो धरा अवतरण कले पृथ्वीर समस्त लोक बाबर उद्धार करने पर्व दिन आम मथुलिखित सुसमाचार सरी जन लिखित सुसमाचार 16:3 16 पर्व लेखा अच्छे जे एक त्राणकर्ता जन्मग्रहण करे से जगतर समस्त पाप को से क्षय करे। जगत सिंहपुर जिला एरसमा ब्लक बालुकेश्वर हाईस्कल और अनंत किशोर सरकारी विद्यापीठ मिलित तो वार्षिक क्रीड़ा उत्सव अनुषित विद्यालय पक्ष 14 इवेंटर खेल सहित तो आकर्षण नृत्य गीतर आयोजन कर अतिथि भाव में बहु मान्य गण्य व्यक्ति जोगद कृति छात्र छात्री को पुरस्कृत करते उद्यापनी समारोह में हजार हजार अंचलवासी जोगद। युवकों ठेंगारी पिटीपिटी हत्या घटना मुख्य अभियुक्त गिरफ कामाक्षनगर थाना बांशपाल सबर साहिरे स्वामी स्त्री झगड़ा को विरोध करिवारु युवकों हत्या करिथिला निशाग्रस्त स्वामी मृतक हारे रोहित प्रधान मुख्य अभियुक्त नीरव भुतिया को गिरफ कर सांबादिक सम्मेलन में सूचना देछि कामाक्षनगर पुलिस। गत 22 तारीख दिन से मद पीकर आसवा समय रोहित प्रधान कहला तुम्हें तुरंत घर छाड़ से ही रागर से प्रथम गोटे जबड़ा मारिदेला जबड़ा मारापर से तले पड़गला तले पड़ला गोईठा और विधा मारा जहाँफल रातिर मृत्यु होती आबद्ध में आम कामाख्यानगर थाना 586 नंबर केस रुजुई 302 आईपीसी रुजुई से रोहित प्रधान स्त्री प्रतिमा प्रधान रिपोर्ट दे। ग्रामांचल में अंतर्राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट आरंभ खेल देखा लोकों भिड़ आनंदपुर उपखंड तरतरा गांव में 24वां मां तारिणी अंतर्राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट आरंभ हो 8 दिन धरी चलो टूर्नामेंट उद्घाटन उत्सव में आनंदपुर विधायक भागीरथी सेठी पहुंची खेला दर्शकों को उत्साहित कर। प्रतिवर्ष भाई ए वर्ष 2023 मसीह तरतरा ग्राम पंचायत तरतरा ग्राम से 24वां अंतर्राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट आरंभ हो टूर्नामेंट आम राज्य तथा तो राज्य बाहर 8 टीम को नहीं आम टूर्नामेंट आरंभ कर। बौद्ध जिला बाउंसुणी पंचायत सभागृह में सांबादिक संघर बैठक संघर प्रतिष्ठाता सभ्य मुकेश पाढ़ी संघर आय व्यय उपस्थापन करते संघ को अधिक मजबूत करने को केतक बिंदु पर वक्तव्य प्रदान करते आगामी दिन में यह संघ तरफ स्वास्थ्य शिविर रक्तदान शिविर शीत वस्त्र बंटन आदि जनहितकर काम करने प्रस्ताव को सर्वसम्मति क्रम गृहीत कर। कंटामाल श्रीराम मंदिर ठारे गीता जयंती महाजज्ञ अनुष्ठित होइछि। समाज सभापति रघुनाथ महापात्र अध्यक्षता एवं संपादक संतोष कुमार बीसी तत्वावधान में उक्त कार्यक्रम आयोजित होता। कंटामाल ब्राह्मण समाज समस्त सदस्यों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता और गोपाल सहस्र नाम पाठ कर।
घन कुहुड़ी बळयरे कंधमाळ आंचलिक पाणीपाग सूचना अनुजाई रात्रीर तापमात्रा वृद्धि पाइबा बेले कंधमाळे शीतर परिमाण टिके कमी आज फुलवाणी तापमात्रा 10 डिग्री रहिबा बेले दारिंगबाड़ी सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री रेकर्ड होछि। कंधमाळ जिला फुलवाणी रे शीत दुई दिन हेला टिके जस्ट कमी किंतु कोहला पाग जोगु शीतटा जणा पडुछि। देखंतु एबे भी रास्ता भलसे देखा जाउ नाही, मॉर्निंग वॉक करि गला बळकु रास्ता भी देखा जाउनी, पूरा कुहुड़ी चारिआड़े ढांकी होइकी थाए, किंतु जहाँ भी आम शरीर पाई आम जाऊ। केन्द्र सरकार पक्ष देशव्यापी चली विकसित भारत संकल्प यात्रा को सुवर्णपुर स्वागत संबर्धना कलापथर पंचायत में लोकों पक्ष विकसित भारत संकल्प रथ को भव्य स्वागत कर संकल्प सिद्धि तथा 2047 मध्य भारत को एक विकसित राष्ट्र करने को समूह शपथ पाठ कर अवसर में शताधिक लोकों स्वास्थ्य परीक्षा करगणे औषध बंटा जा। पवित्र कुराली पंचमी अवसर में कटक जिला सालेपुर रघुबरपुर गांव कुंभकारंक पर्व पालन कर दीर्घ सात दिन धरी चलता यह पर्व को कुंभकार संप्रदाय बेस धूमधाम पालन कर शिव पार्वती प्रतिमा को आज मेलाणी देवाई गांवर समस्त महिला चिताकर्षक घंट बजाई विसर्जन नहीं। बौद्ध जिला मनमुंडा असुरगुड़ा महोत्सव पर प्रस्तुति बैठक लोककला लोक संस्कृति मीना बजार विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़ी निमंत्रण करनिदिन धरी उत्सव को पालन करने बैठक में स्थिर होता आसंता जनवरी मस 25 तारीख और 27 तारीख पर्यंत तीन दिन धरी महोत्सव पालन कर। कोरापुटे केन्द्रीय साहित्य एकाडेमी पक्ष आलोचना चक्र अनुषित आदिवासी संस्कृति में मानवीय मूल्यबोध संपर्क में आलोचना कर जिलार बहु साहित्यिक जोगद आदिवासी जनजीवन सहित मानवीय संपर्क आदिवासी संगीत नृत्य परंपरा चाष प्रक्रिया आदि विषय में साहित्यिक और गवेषक मैंने गुरुत्वारोप कर कोरापुट साहित्य पर मिसिकी मिलित अनुकूल गोटे आलोचना चक्र होता आलोचना चक्र आदिवासी संस्कृति रे मानविक मूल्यबोध एथिरे अनेक लोक जोग देथिले साहित्यिक माने जोग देथिले गवेषक माने जोग देथिले। केन्द्रापड़ा जिला आड़ी हाईस्कूल मिनी स्टेडियम फुटबॉल टूर्नामेंट उद्यापित गत 12 तारीख चलता 17वां राज्यस्तरीय शरत देव स्मारकी फुटबॉल टूर्नामेंट उद्यापित होती फाइनल में कटक स्पोर्ट्स हॉस्टल चैंपियन होती मंत्री प्रताप देव मुख्य अतिथि भाव में जोगद चैंपियन खिलाड़ी को पुरस्कृत करते सतरतम राजसाहेब शरदेव मेमोरियल टूर्नामेंट आज उद्यापनी एवं प्राय 9टा टीम आज खेल होता आज तार उद्यापन उत्सव और बहुत धूमधाम आलीर पाने आली एथलेटिक एसोसिएशन आनुकूल्य रही ये कार्यक्रम आज कार्य संपन्न हो। बेआईन निशा कारबार अभियोग में दुई गिरफ पुरी कुंभारपड़ा थाना पुलिस दुई जन निशा बेपारी को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर गिरफ दुई बेपारी हेले संजय कुमार साहू और मोहन भोई से 46 कफ सिरप बोतल और गोटे स्कूटी अन्न्य निशा बटिका जबत कर। बेगुनिया ब्लक सीमोर पंचायत में बिजेडर पदयात्रा सहित हर घर शंख कार्यक्रम अनुषित ए राज्य कोठापाड़ी अध्यक्ष श्रीमयी मिश्रों सहित स्थानीय नेता और बहु छाम नेता जोगद 2024 निर्वाचन में पुणि थे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को क्षमतासीन करने आह्वान दीजिए। ओडिशा दक्षिण ओडिशा उत्तर ओडिशा पश्चिम ओडिशा सबुठी गोटे कथा जे नवीन बाबूंर सुशासन नवीन बाबूंर सबु उन्नतिमूलक कार्यक्रम सबु गाँव में सब पंचायत पहुँची आबाड़ वृद्ध वनिता समस्ते जानते मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन बाबू जो विकास से आम सहित से मैंने खुशी पदयात्रा जोगदान दौरान और देखिकी भारी उत्साहित लगे। बाग्मी विश्वनाथ करों 169वां जयंती उत्सव महांगा ब्लक मूलबसंत बाग्मी विश्वनाथ विद्या निकेतन परिसर में विधायक प्रताप जेना सभापतित्व में उत्सव अनुष्ठित होती अतिथि भाव में बाचस्पति प्रमीला मल्लिक जोग देते अवसर में एक स्मरणिका उन्मोचन कर सहित विभिन्न क्षेत्र में कृति छात्र छात्री को पुरस्कृत कर। विश्वनाथ 169वां जन्म जयंती दिवस महासमारोह पालित होती महासमारोह पालित होती भाषा पर राज्यपिया जाति से जहाँ करें मन पकड़ स्मृतिचारण करने सहित भविष्य ओडिया पाया भाषा प्रति आकृष्ट करवा। केन्द्रापड़ा जिला मार्साघाई ब्लक गौड़ गाँ आंचलिक सत्संग केन्द्र प्रतिष्ठा कर विजय सारंक स्मृतिचरण सभा अनुषित विजय सार भद्रक जिले में जन्मग्रहण करते विजय सार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा अंचल में प्रसार कर बहु शिष्य को दीक्षा प्रदान कर ऋतिक भाव समस्त हृदय
ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ କଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଅତି ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନର ଆଜି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରଲୋକଗତ ଆତ୍ମାର ବିଧେୟ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୁନିୟର ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ବନାରସ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 27-30 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବନାରସ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ 12 ଜଣ ଖେଳାଳି ସହିତ 4 ଜଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। 12 ଜଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭବନଠାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ବୁଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଟି ସାର୍ଟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋଖୋ ସିଜନ 2 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 6 ଦଳ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ୱାରିୟର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ January 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅତିଥି ଭାବରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋଖୋ ଏଇଠି IPL ଭଳି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି 24 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, January 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 13 ପ୍ରକୃତରେ କଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କଟକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେ। ପହଲେ ତ ମୁଁ ଶୁକ୍ରିଆ ଅଦା କରନା ଚାହୁଁଗା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କା, ଇତନା ସପୋର୍ଟ ମିଲା ହେ ଔର୍ ୟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅପନେ ଆପ୍ ମେ ପରଚମ୍ ଲହରା ରହା ହେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କେ ପ୍ରତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଡନ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜବ୍। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାରସ୍ଥିତ ମହାବୀର ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 8 କ୍ଲବ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ପୁରୁଣା ବଜାରର ମହାବୀର ଫିଲ୍ଡରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ବହୁତ ଦିନରୁ ଫୁଟବଲର ଯେଉଁ ଥିବା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ବଜାରରେ ଅଛି ଆଉ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ମାନସ ଭବନଠାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ SCD ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହଯୋଗରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ମାନସ ଭବନରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁହେଲପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଗତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀଡ଼ା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥି ଭାବରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 512 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। 512 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରୁ 400 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାଗଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଓ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୁ ଉମରକୋଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟା 11 ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ କୃତି ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର, ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଦଯାତ୍ରା, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମାସ ଧରି ଉଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିବ। ମାସ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆଗାମୀ January 22 ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ।
तेणुक एटा गोटे आमपाई गोटे 100 कोटी हिंदू मानी गोटे स्मरणीय मुहूर्त हे तेणुक आम गोटे निर्णय नेलु जे मलकानगिरी पदयात्रा अयोध्या पर्यटन जावाई आम मलकानगिरी टू अयोध्या पदयात्रा करुचु जे कि मो सहयोगी कर दिनेश भाई साथी रे आम गोटे बार्ता दौचु आम हिंदू समाज पर सनातन धर्म को आम बचाईवाई गोटे पदयात्रा करुचु